देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पत्ता चाट। चलिए आइए पालक पत्ता चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पत्ता चाट। तो पालक पत्ता चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये पालक ले लिया है, ये देखिए, और ये हमने पहाड़ी पालक लिया है। ये थोड़ा बड़ा होता है तो इसलिए इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, और हमने इसकी जो डंडी है वो तोड़ दी है। इस टाइप से हमने धोकर रख लिया है। और यहाँ पर हमने आधा बाउल जो है बॉयल करके चने ले लिए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर हमने सोट ले ली है ये थोड़ी सी, और दही ले लिया है यहाँ पर आधा बाउल, थोड़ी सी पापड़ी ली है, और ये ग्रीन चिली ले ली है हमने। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने एक बाउल बेसन लिया है, ये कुछ मसाले लिए हैं आधा चम्मच, यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 हमने यहाँ पर ये हल्दी ले ली है। चलिए आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मुझे बेसन ऐड करना है। मैंने बेसन ऐड कर लिया, इसमें जो मैंने ये मसाले लिए थे इन्हें ऐड कर देना है। ये देखिए, मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, और थोड़ा थोड़ा इसमें मुझे पानी ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करना है। बेसन हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है। इसमें जो पानी यूज़ हुआ है वो 1 कप मैंने यूज़ किया है, ये देखिए। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है और इसमें एक भी लम्स नहीं है। इसी टाइप से आपको इसमें फेंटना है, ये देखिए। और इसकी जो थिकनेस है हमें इतनी रखनी है, ज़्यादा पतला हम करेंगे तो जो पत्ते हैं पालक के उस पर ये सही से कोट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें इसकी इतनी ही थिकनेस रखनी है। ये देखिए, ये हमारा बेसन जो है बिल्कुल एकदम फिट के तैयार हो गया है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और अब मुझे इसमें फ्राई करना है। ये मैंने बेसन ले लिया है, इसके अंदर मुझे इस टाइप से डिप करके और इसके अंदर मुझे फ्राई करना है, ये देखिए। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है। देखिए, इस टाइप से हमें सारे जो पत्ते हैं वो डिप करके फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए, ये हमें इस टाइप से जो पत्ते हैं उसको इस टाइप से फ्राई करना है बेसन में डिप करके। हमें जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है, ना स्लो रखनी है ना हाई रखनी है। ये देखिए, इस टाइप से हमें फ्राई करना है। ये खूब एकदम से क्रिस्पी हो गए हैं, ये देखिए। इस टाइप से हमें सारे जितने भी पत्ते हैं वो सब फ्राई कर लेने हैं। देखिए, ये अब हमें इतने ही फ्राई करने हैं, ना ज़्यादा डार्क करने हैं ना ज़्यादा लाइट करने हैं। अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इस टाइप से हमें फ्राई करना है और हमें इसमें निकाल लेना है। इस तरीके से टिश्यू पेपर पर हमें निकालना है। ये देखिए, मैंने सारे फ्राई करके निकाल लिए हैं, ये देखिए। इस टाइप से हमें इसमें निकाल लेना है। अब हम जो है चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने सारे इस प्लेट में निकाल लिए हैं, ये एकदम क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी हैं। इस टाइप से हमें सब फ्राई करके निकाल के मैंने इस टाइप से इसमें रख लिए हैं। अब मुझे इसमें थोड़े से छोले ऐड करने हैं। पापड़ी मुझे इसमें ऐड करनी है। पालक पत्ता चाट जो होती है वो बहुत टेस्टी होती है, आप ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करें। ये देखिए, इसे देख के आप लोगों के एकदम मुंह में पानी आ जाएगा, ये बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। इसमें ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब जो ये मैंने मसाले लिए हैं इनको थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करना है, इस टाइप से।
थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ये ब्लैक सॉल्ट मैंने ऐसे डाल दिया है, इस पे ही चाट मसाला डाल दिया है मैंने। अब मुझे इसमें दही ऐड करना है, ये देखिए इस टाइप से हमें इसमें दही ऐड करना है। ये देखिए मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। अब मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऐड करनी है जो मैंने लेकर रखी थी। ये देखने में देखिए कितनी टेस्टी लग रही है एकदम। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी होती है, एकदम ज़बरदस्ती पालक पत्ता चाट। इसमें मैंने ये रेड चटनी इमली वाली ये मैंने घर में बनाई थी, और इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब थोड़े से मसाले मैंने अंदर ऐड किए थे, अब थोड़े से अब मैं ऊपर से ऐड करूँगी इसमें। ये देखिए थोड़ा सा इसमें मैं ब्लैक सॉल्ट ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला और ऐड करूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है, कितनी टेस्टी लग रही है एकदम। आप इसको बहुत मतलब एकदम देख के मुंह में पानी आ रहा होगा आपके, खाने में ये बहुत टेस्टी है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ हमारा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।